इस वीडियो में बात करूंगा आपसे बिलम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि डॉग टोकन से रिलेटेड होने वाली है। तो मैं इस अपडेट के बारे में आपको बताता हूं। तो गाइस एक बात और बता दूं, ये सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, पूरा पढ़कर नहीं बताने का। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी करनी बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है द डॉग सुपर स्टॉर्म इज हेयर, द वेट इज ओवर, टेस्टिंग इज ओवर, इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ वी हैव सर्वड यू विद अवर 3 मिलियन वर्थ ऑफ डॉग्स। मतलब अभी तक इनकी टेस्टिंग चल रही थी और वो टेस्टिंग ओवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और इन्होंने ये भी बताया साथ में कि ये पिछले कुछ महीनों में ही 3 मिलियन डॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यूजर्स को। अब गाइस अगर हम स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है टैप प्ले यू हैव गॉट जस्ट 30 सेकेंड टू कलेक्ट दोज बीपी एंड डॉग्स। आप सभी ने देखा होगा जब आप बिलम के गेम को प्ले करते हो तो गाइस उसमें आपको 30 सेकेंड मिलते हैं, लेकिन अभी भी आपको 30 सेकेंड ही मिलेंगी और साथ में उसके डॉग टोकन्स भी मिलेंगे जिसमें आपको ग्रैब करना होगा डॉग टोकन्स को भी और बीपी को भी। उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है अवॉइड द बम, डोंट वरी, बम विल हिट योर बीपी, सो योर प्रेशियस डॉग आर सेफ। यहाँ पर इन्होंने गाइस क्लियर कर दिया है कि जो बम होते हैं ना वो सिर्फ आपके बिलम पॉइंट को ही हिट करेंगे, आपका डॉग बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके साथ में इन्होंने नीचे लिखा हुआ है चेक योर वॉलेट आफ्टर द गेम, सी हाउ मेनी डॉग यू हैव कलेक्टेड। तो गाइस सिंपल ही है, जब आप गेम को कंप्लीट कर लो तो अपने वॉलेट को चेक कर लो, उसमें आपको दिख जाएगा कि आपने कितने डॉग को कलेक्ट किया है। उसके नीचे गाइस इन्होंने लिखा हुआ है द डॉग सुपर स्टॉर्म ड्रॉप विल लास्ट अ कपल ऑफ डेज, सो एक्ट स्विफ्टली। तो इन्होंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गाइस कि ये परमानेंटली नहीं रहने वाला, कुछ ही दिन के लिए रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी से इसको कलेक्ट कर लो। तो गाइस ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रमोट करने के लिए करती है। उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई हैं, अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको इसका आंसर अभी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ हैव एन एक्टिव टोन वॉलेट कनेक्टेड टू बिलम विद एट लीस्ट 1 outgoing ट्रांजेक्शन, कि आपको एक टोन वॉलेट होना चाहिए और वो बिलम से कनेक्ट होना चाहिए और उसमें 1 outgoing ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपका ये नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको शो नहीं होंगे डॉग्स। उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है योर वॉलेट मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर 21 अक्टूबर 8 AM UTC। मतलब आपका जो वॉलेट है ना वो 21 अक्टूबर से पहले ही एक्टिवेट होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप अब करोगे तो वो शो नहीं होगा। उसके नीचे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि अगर आप इस टाइम करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। उसके नीचे गाइस इन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसमें इतना ही है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।